केंद्र सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के फैसले पर 27 अप्रैल तक लगाई रोक। हाई कोर्ट ने राज्य में राष्ट्रपति शासन खारिज करने का दिया था फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट से 26 अप्रैल तक फैसले की कॉपी मुहैया कराने को कहा। उत्तराखंड हाई कोर्ट के सदस्यता रद्द करने के फैसले के खिलाफ 9 बागी कांग्रेस विधायक भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के मसले पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा, उत्तराखंड में संविधान का नहीं किया गया था पालन। वेंकैया नायडू ने कहा, विधायकों की खरीद फरोख्त रोकने के लिए लगाया था राष्ट्रपति शासन। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भूस्खलन में 16 मजदूरों की हुई मौत, कई लोग हुए घायल। भूस्खलन के मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका, राहत और बचाव कार्य जारी। तवांग में हुए भूस्खलन की स्थिति और राहत कार्यों का जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू घटना स्थल पर पहुंचे। प्रधानमंत्री ने भूस्खलन में मारे गए लोगों के प्रति शोक जताया। बाढ़ और सूखे से प्रभावित राज्यों को केंद्रीय सहायता देने के लिए हुई उच्च स्तरीय बैठक। कर्नाटक को 723.3 करोड़, पुडुचेरी के लिए 35.14 करोड़ और अरुणाचल प्रदेश को 84.33 करोड़ रुपए प्रदान करने की दी गई मंजूरी। भारत जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौते को लेकर आज न्यूयॉर्क में करेगा हस्ताक्षर। पिछले साल दिसंबर में 196 देशों ने इस समझौते को किया था स्वीकार। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर करेंगे भारत की तरफ से हस्ताक्षर। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा, विजय माल्या को भारत वापस लाने के लिए हम प्रतिबद्ध, कानूनी जानकारों की ले रहे हैं सलाह। स्वरूप ने साथ ही कहा, भारत पाकिस्तान मिलकर कर रहे हैं पठानकोट हमले की जांच। एक साल में 1,13,00,000 उपभोक्ताओं ने छोड़ी एलपीजी गैस सब्सिडी। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, प्रधानमंत्री बलिया से 1 मई को उज्ज्वला योजना की करेंगे शुरुआत, 1.5 करोड़ गरीबों को दिए जाएंगे एलपीजी कनेक्शन। चुनाव आयोग ने की विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में अधिसूचना जारी। 3 राज्यों में 16 मई को होगा मतदान। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को किया ढेर। नक्सलियों के छिपे होने की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों ने इलाके को घेरा। नक्सलियों द्वारा गोलीबारी करने पर ही सुरक्षा बलों ने की जवाबी कार्रवाई। विश्व भर में आज मनाया जा रहा है वर्ल्ड अर्थ डे। इस साल के अर्थ डे की थीम है ट्री फॉर द अर्थ, यानी पृथ्वी के लिए पेड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर धरती को स्वच्छ और हरा भरा रखने की प्रतिबद्धता पर दिया जोर। उज्जैन में आज से सिंहस्थ कुंभ मेला शुरू। महीने भर तक चलने वाले कुंभ में शाही स्नान के लिए हजारों की तादाद में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सिंहस्थ मेला 22 अप्रैल से 21 मई तक चलेगा। महाराष्ट्र में आईपीएल 9 के मैचों के आयोजन से संबंधित याचिका को लेकर महाराष्ट्र और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। याचिका में एसोसिएशन ने महाराष्ट्र में मैच कराने की मांग की। सानिया मिर्जा उनकी जोड़ीदार मार्टिना हिंगिस ने पॉश टेनिस ग्रांड प्री टूर्नामेंट के महिला युगल के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सानिया और हिंगिस ने बारबोरा व्रेजिकोवा और कैटरीना सियंसोकोवा को 6-1, 6-3 से हराया। पंकज आडवाणी ने कतर के दोहा में खेली जा रही एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2016 के सेमीफाइनल में बनाई जगह। आडवाणी ने सीरियाई खिलाड़ी करम फातिमा को 5-0 से हराया। चाइना मास्टर ग्रांप्री गोल्ड बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों को मिली हार। पीवी सिंधु, एचएस प्रणॉय क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में अपने प्रतिद्वंदियों से हारे।